डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल, बोले तो ईएमएफ या कह सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें बताना है 2024 में, और दो नंबर में ये सवाल, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो चलिए फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं उसे पहले यहां लिखिए। ये दे रखा है हमें विद्युत वाहक बल, तो हम इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से। कितना है 2.0, बोले तो 2 वोल्ट। 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, बोले तो कैपिटल आर। कितने दे रखा है हमको 3.9 ओम, सही है ओम। अच्छा, फिर आगे परिपथ में प्रवाहित धारा, बोले तो आई इजिकल टू 0.5 एम्पियर है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, बोले तो स्मॉल आर की गणना हमें करनी है। अब ब्लैक पेन निकालिए और एक रिलेशन को लिखिए। रिलेशन होता है आई इजिकल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसे इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए। देखिए, अब हमें यहां से स्मॉल आर, बोले तो आंतरिक प्रतिरोध को निकालना है। तो हमें ये तीनों वैल्यूज दे रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो धारा का मान पूछ ले तो आपको ये तीन वैल्यू देगा, या आपको E का मान पूछ ले तो फिर ये तीन वैल्यू देगा। तो इस जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें आप अच्छी तरह से समझिए और फिर न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए। देखो, यहां पर इसने स्मॉल r का मान पूछा है, हो सकता है आपको इनका 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 किसी का भी मान वो पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए, अब इसमें वैल्यूज को रखिए। देखो भाई, 0.5 ये आ गई आई की वैल्यू, सही है 0.5। कैपिटल ई विद्युत वाहक बल है, रख दिया सर, कैपिटल ई हो गया। और कैपिटल आर सर 3.9, स्मॉल आर हमें कैलकुलेट करना है। देखिए भाई, इससे मैं इधर ले आऊंगा 0.5 और ये बन गया मेरा क्या, प्लस आर इजिकल टू 2। या ऐसा करूं, मैं इसे ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, इसे मैं इधर ले आऊं 3.9 प्लस आर इजिकल टू, और इसे इसके बैठे में ले जाऊं 2/0.5। देखिए, 3.9 प्लस आर इजिकल टू, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, ऊपर क्या हो जाएगा सर, जीरो बढ़ जाएगा, और नीचे 5, तो 5 × 20 होते हैं। तो अब क्या करें, आर यही रहने दो, इसे उधर ले जाओ, तो आर इजिकल टू 4 माइनस हो जाएंगे ना, अब ये 9, बताओ क्या बचा, तो सर यहां से बचा 0.1। क्या मात्रक होगा, ओम। ये हुआ आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर। तो 2024 में दो नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।